हेल्थ एंड वर्कआउट रिलेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज का सेशन है हमारा इम्यून सिस्टम के बारे में, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, वो कैसे वर्क करती है और उसके क्या क्या टाइप है, ये सब हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। और इस स्पेशल सेशन के लिए आज हमने इनवाइट किया है अक्षय जगताप सर को, जो कि प्रोफेशनल फिटनेस एक्सपर्ट है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गो विथ हिम। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी बेसिकली हम लोग जो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बोलते हैं, या फिर अब हम इसी को चार प्रकार में डिवाइड करेंगे, जिससे आप लोगों को एग्जैक्टली इम्यूनिटी क्या है इसके बारे में थोड़ा नॉलेज और बढ़े। सभी लोग जन्म के साथ एक लेवल ऑफ इम्यूनिटी लेके आते हैं, उसे ही हम एनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इसी को हम हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस भी कहते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है हमारा स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स। म्यूकस मेम्ब्रेन्स बेसिकली हमारे गले के या फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो एक पतला कोट रहता है, उसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। टाइप टू, एडप्टिव इम्यूनिटी। एडप्टिव इम्यूनिटी में बेसिकली होता क्या है, हम जब बाहर जाते हैं या फिर किसी मतलब बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो उस प्रकार के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक पर्टिकुलरली एंटीबॉडी बना लेती है। तो ये एंटीबॉडी हमेशा हमारे बॉडी में बाद में स्टोर रहती है, तो इसे हम लोग कहते हैं एडप्टिव इम्यूनिटी। और होता क्या है, बेसिकली हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कभी हमारे शरीर में आए हुए किसी भी एनिमी को भूलता नहीं, किसी भी हमलावर को वो कभी भूलता नहीं है। वो उसके लिए अपनी एंटीबॉडीज़ हमेशा आगे जाकर स्टोर करके रखता है, क्योंकि अगर वो दोबारा से अगर अटैक करे तो वो उससे फाइट कर पाए। उसे हम इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी कहते हैं। अभी नंबर थ्री पे आएंगे अपन, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? जैसे एडप्टिव इम्यूनिटी हमें हमारे बॉडी में जो रहती है कि हम एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, वैसे पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, पैसिव बॉडी जो है वो दूसरे स्रोतों पर निर्भरित रहती है। इसमें इसका आपको एक सिंपल सा उदाहरण मैं जो दूंगा वो आप ध्यान में रखिए, जिससे आपको शायद ये समझ में आए पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। जैसे कि बच्चा कोई भी जन्म लेने से पहले उसके नाभि पर निर्भरित रहता है, और जन्म के बाद में वो दूध पर डिपेंड रहता है। इसी नाभि से या दूध से उसको कुछ एंटीबॉडीज़ मिलती है जो वो एज अ इम्यूनिटी आगे वो यूज करता है, लेकिन ये टेम्पररी होता है। ये बस उन्हें कुछ शुरुआत के एक डेढ़ साल या फिर शुरुआत के कुछ दिनों में उसे मदद करता है इम्यून रखने के लिए। फोर्थ टाइप के, हम इंसान ही इसके क्रिएटर है, इसे कहते हैं हम इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम लोग किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का एक वैक्सीन निकाल लेते हैं, और वो वैक्सीन हम सब लोग एक बार ले लेते हैं तो हम लोग लाइफ लॉन्ग उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट या फिर उस वायरस के अगेंस्ट हम लोग इम्यूनाइज हो जाते हैं। ये तो हमने सिर्फ इम्यूनिटी एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में जाना, मतलब समझा कि इम्यून सिस्टम कैसे वर्क होता है, इम्यून सिस्टम में क्या क्या होता है, ये हमने अभी इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहते हो तो हम एक नेक्स्ट वीडियो भी बना सकते हैं इसके लिए, जिसमें हम लोग सिर्फ कवर करेंगे कि अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाए, अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हो, इसके बारे में हमें अगला वीडियो चाहिए तो बनाएंगे। आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच हेल्थ एंड वर्कआउट रिवोल्यूशन टीम फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम जल्द ही।